प्रारंभ हो चुका है और जल्दी ही सभी लोग हम सभी के बीच उपस्थित होंगे। मेरा हमारे अतिथियों के आने में कोई असुविधा न हो और जो लोग भी सड़क के किनारे बैठे हैं या खड़े हैं, आप सभी पंडाल में आकर अपना नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी कुलपति भक्ति विश्वनाथम ओम पार्वती। एक आजा फोटोग्राफर करते हैं अपने देश के लिए, शांति के लिए। यह प्रकाश का प्रतीक सभी के जीवन में उजियारा लेकर आए, सभी को सुख एवं समृद्धि प्रदान करे। आने की कल्पना करते हैं। इसके उपरांत मैं झाजी मुख्य अभियंता, आप मुख्य अतिथि, श्री एके सिंह जी अधीक्षण अभियंता, कुछ अंगवर्ग एवं रमेश चंद्रा जी अधीक्षण अभियंता, माननीय विधायक चटिया श्री शारदा प्रसाद जी का स्वागत, अधीक्षण अभियंता श्री मनोज सिंह जी, श्रीमती साधना सिंह माननीय विधायक पंडित दीनदयाल नगर का स्वागत, पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र। इसके उपरांत श्री एस के सोनकर जी, जल पंप की जो स्थितियां खराब थी उसको आज साकार, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बाकी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी जो आज की विशिष्ट अतिथि है, उनका ये क्षेत्र है, साधना जी और जिनके विधानसभा में मैं यात्रा हूं,
अभी तो उन्होंने कहा अनुराग जी ने कि भाई ये एक ही जगह के रहने वाले हैं, हम भी मेरी जन्मभूमि मिर्जापुर में, ये अनुराग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो मैं अपने सदैव सहयोग रहा है तभी ऐसे सभी भाइयों का भी आभारी हूँ इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि हमारे गुरु जी हम लोगों के बीच में चंदौली मिर्जापुर सोनभद्र वाराणसी जौनपुर और गाजीपुर इतने लंबे क्षेत्र में जो विकास के कार्य है उसमें बहुत दिलचस्पी के साथ जौनपुर पंप नहर क्षमता वृद्धि परियोजना का आज यहां पर शिलान्यास किया गया है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के जल शक्ति विभाग के द्वारा 60 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये चार दशक पुरानी परियोजना है जो मुख्य रूप से चंदौली और जनपद मिर्जापुर के कृषि योग्य भूमि के सिंचन में इसका योगदान है। और अब इस क्षमता वृद्धि के उपरांत जो हमारे उपकरण है, नए पंपसेट्स हैं लगाए जाएंगे और इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी, तो अब 96,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिसका सिंचन हो पाएगा और जो पंपसेट्स की क्षमता है वो 1440 क्यूसेक से बढ़कर 1800 क्यूसेक हो जाएगी। तो इससे हमारे जनपद चंदौली और मिर्ज़ापुर दोनों ही जनपदों के किसानों की जो एक बहुप्रतीक्षित मांग थी वो आज पूरी हो रही है और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कब तो शुरू हो जाएगा? ये काम अब शुरू हो गया है और ये 2023-24 तक अगस्त तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा और उसके बाद जो बढ़ी हुई क्षमता है उसके साथ जो किसानों को पानी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू ने पुरानी वाली नहर उनके ज़माने में बनाई इंदिरा गांधी की वजह से, फिर वो बेकार हो गया, कोई काम का नहीं बचा। तो हमारे माननीय ओम प्रकाश जी मंत्री जी ने इसका पूरा विकास किया और तमाम पैसा इसमें सरकार की योजना बनाई जिससे चंदौली ज़िला, सोनभद्र ज़िला, मिर्ज़ापुर ज़िला, बिहार तक के जनता जो है इससे लाभान्वित हुई, किसानों का फायदा हुआ है और किसान इससे बहुत ज़्यादा फायदे में है। और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की देन है जो इस तरीके का उन्होंने करके दिया जनता को। आज क्या हो रहा है? आज भी उसके पानी के जो कुछ और डिमांड आगे बढ़ी है, जो पानी मिल नहीं पा रहा है पूरा भरपूर, तो उसके लिए इसका जो है कैपेसिटी को बढ़ाना है। और सुनने को ये मिला है कि यहाँ पर ऊर्जा का भी प्रबंध होगा जिससे कि ऊर्जा भी पैदा हो, जनता को बिजली भी आसानी से उपलब्ध हो। बढ़ जाएगी तो हाँ। फिर इसका क्या मिलेगा? फिर इससे और क्षेत्र में पानी पहुँच जाएगा, इससे और एक नहर है उसमें भी उसका सहयोग है। इससे खुश हैं आप लोग? हम खुश हैं, सब जनता खुश है इसमें, नाराजगी। आज यहाँ पर एक 60 करोड़ 30 लाख 90 हज़ार की लागत से यहाँ के जो 14 पंप है नारायणपुर लिफ्ट कैनाल के, उनकी क्षमता वृद्धि के लिए अभी ये 120 क्यूसेक क्षमता से चलते हैं, पंप जर्जर हो चुके हैं, ट्रिप कर जाते हैं तो 12 जो चलते हैं उनमें भी रोकना पड़ता है, सिर्फ पानी पूरी क्षमता से उत्सर्जन या जल निकाला नहीं जा पाता है। अब जब नए पंप हो जाएंगे तो 150 क्यूसेक की क्षमता से 14 पंप रहेंगे, 2 स्टैंड बाई, 12 पूरी क्षमता से चलेंगे। तो जहां आज 1200 से 1400 क्यूसेक पानी यहां से निकल के जाता है, वहां 12,000-14,000 तक, वहां 18,000 क्यूसेक से अधिक पानी निकल के जाएगा। नहरों में पानी की उपलब्धता 70% उपलब्ध है। सर, पूर्ण ने कहा है चुनाव टालने के लिए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, चुनाव करना और तिथि निर्धारित करना, कार्यक्रम बनाना, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग का विषय है। माननीय न्यायालय के प्रति हम लोगों के मन में उच्च सम्मान का। जैसे सपा कभी बोले कि आपको डर लग रहा था, क्या डर लगता है लोगों से? सपा कभी बात की, आप डर लग रहा था कि यहाँ आने को कहीं पहले आप सुना नहीं? जितने विकास कार्य मोदी जी, माननीय योगी जी, हम सब करते हैं, उसको सपा के नेता बोलते हैं ये पहले हमने सोचा था, हमने देखा था, हम सपने में भी इसको सोचे थे। तो इसी तो यही डर लगता है कि कोई भी अच्छा काम हो रहा तो लोगों को पहले, तो बीच में क्या कर रहे थे? इस एक भाव मैंने व्यक्त किया कि ऐसा उन लोगों का स्वभाव बन गया। ठीक है।